वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 17 ऑन मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेड के लाइफ साइकिल के बारे में चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से व्हाट इज थ्रेड अ थ्रेड इज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड हर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कम से कम एक थ्रेड होता है जिसे हम बोलते हैं मेन थ्रेड इस मेन थ्रेड का काम होता है नए थ्रेड्स को बनाना और इसके पास भी कुछ टास्क होते हैं जो नए थ्रेड्स बनाए जाते हैं उनको बनाना एंड मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन करवा के लेता है इंटरप्रिटर कभी कभी हमें एडिशनल थ्रेड्स की जरूरत पड़ जाती है टू एक्जीक्यूट कोड कॉन्करेंटली। एंड इसके लिए पाइथन एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है थ्रेडिंग मॉड्यूल इस थ्रेडिंग मॉड्यूल का यूज करके आप नए थ्रेड्स बना सकते There are multiple ways of creating थ्रेड़। आप थ्रेड क्लास का यूज़ करके बना सकते वेज आप कभी कभी हमें थ्रेड्स जिसे हम बोलते हैं रेस कंडीशन एंड इस रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स है तीन थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स है लॉक आर लॉक एंड सेमाफोर मैंने सारी टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मल्टी थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं मेन थ्रेड एंड जितने भी आप न्यू थ्रेड्स बनाते हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है सभी थ्रेड्स के लिए सेम लाइफ साइकिल होता है लाइफ साइकिल के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन लाइक डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग अ थ्रेड difference between run and start third question is difference between block and terminated ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे सो so, इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आपको लाइफ साइकिल का नॉलेज होना जरूरी है थ्रेड के लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस होती है फर्स्ट वन इज न्यू थ्रेड सेकंड वन इज रनिंग थ्रेड एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटेड थ्रेड एंड रनिंग थ्रेड में आपको ब्लॉक थ्रेड ये स्टेज भी देखने को मिलेगा यू कैन से इट इज 2.1 बिकॉज ये रनिंग के अंडर ही आता है सो दिस इज कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एनी थ्रेड इन पैथर्न आप इसका स्क्रीन शॉट निकाल सकते दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम थ्रेड के लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस होती है दिस इज द फर्स्ट स्टेज देन सेकेंड स्टेज इज इन रनिंग स्टेट एंड थर्ड स्टेज इज टर्मिनेटेड स्टेज लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेज जिसमें थ्रेड नया रहेगा न्यू थ्रेड जब आप थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो तुरंत थ्रेड स्टार्ट नहीं होता है जब तक आप स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं देते तब तक थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा सो थ्रेड का स्टेटस इनएक्टिव रहेगा सो so, क्रिएट करने से लेकर स्टार्ट करने तक जो स्टेज होता है जो पीरियड होता है उसमें हम थ्रेड को बोलेंगे कि ये स्टेज वन में है दिस इज अ न्यू थ्रेड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है देन उसके बाद आप स्टार्ट मेथड को कॉल कर देते हैं एज सुन एज आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो स्टेट रनिंग स्टेटस में चला जाता है इट ट्रांजिट जाएगा तो हो सकता है कि कोर में कुछ एक्सेप्शन आए एक्सेप्शन रेज होने के बाद तुरंत टर्मिनेट किया जाता है ब्लॉक स्टेट में, में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग स्टेट एंड यह क्यों होता है कभी कभी थ्रेड को वेट करना पड़ता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के लिए सपोज प्रिंटर प्रिंटिंग का काम करना है लेकिन प्रिंटर ही अवेलेबल नहीं है तब थ्रेड वेट करता है सकता। देर आर मल्टीपल रीजन सिंक्रोनाइजेशन है थ्रेड कम्युनिकेशन करना है ठीक है मैं चाहता हूं कि ये थ्रेड एग्जीक्यूट ना हो जब तक इस थ्रेड का काम नहीं होता है तो इस केस में इस दूसरे थ्रेड को हमें वेटिंग पे रखना पड़ेगा सो हम वेटिंग पे रखते हैं ये थ्रेड कम्युनिकेशन का पार्ट है आई विल एक्सप्लेन बट इस वक्त थ्रेड ब्लॉक स्टेटस में जाता है स्लीपिंग स्टेटस में जाता है एंड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन तो हमने देखा ही है सपोज लॉक किया हमने थ्रेड को तो अदर थ्रेड्स को वेट करना पड़ेगा तब उन्हें बोला जाता है ब्लॉक स्टेट रनेबल में दो स्टेट्स आती है एक्टिव एंड ब्लॉक्ड लेकिन जो ब्लॉक थ्रेड है वो कभी ना कभी एक्टिव हो जाएंगे एंड एक्टिव होने के बाद वो अपना कोर एग्जीक्यूशन पूरा करेंगे देन उनको एग्जिट किया जाएगा मीन्स अब थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके टर्मिनेट हो गया है सो so, कोई भी थ्रेड जब टर्मिनेट होता है वो दो रीजन से टर्मिनेट होता है फर्स्ट वन इज आइदर उसमें एक्सेप्शन आया है और थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है सो so, अब आप बोलेंगे इन क्वेश्चन के आंसर्स क्या है तो अगर आप मेरा मल्टी थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स ईजिली मिल जाएंगे आई सजेस्ट कि सेक्शन में जाओ एंड मल्टी थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट करो अब आपको एक कंप्लीट आइडिया आया होगा थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में विल सी यू नेक्स्ट टाइम